हेलो एवरीवन माय नेम इज राहुल रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब रोल क्या होता है बिजनेस बैंकिंग ग्रुप में बिजनेस बैंकिंग ग्रुप में रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब रोल क्या होती है उनकी वर्क की क्या होती है उनकी सैलरी कितनी होती है टारगेट प्रेशर क्या रहता है और क्या इनका फील्ड वर्क होता है या नहीं और ये किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है उन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो रिलेशनशिप मैनेजर इन बिजनेस बैंकिंग ग्रुप जो जनरली डील करता है वो रिटेल कस्टमर या इंडिविजुअल कस्टमर से डील नहीं करता है वो कंपनीज या कॉर्पोरेट कंपनीज या फिर उस कंपनीज के इम्प्लॉइज से डील करता है तो ये जो डील करते है उस माइक्रो एंटरप्राइज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइस या फिर मिड कॉर्पोरेट कंपनीज जिसकी एनुअल अप टू एनल्टी करोड़ तक होती है उस कंपनी से ये लोग डील करते हैं तो तो जॉब रोल्स क्या होती है तो इनको इंगेज करना पड़ता है हाई वैल्यू कस्टमर्स से इनको हाई वैल्यू कस्टमर्स को ऑफर करना पड़ता है राइट बैंकिंग सोल्यूशन जिसमें आपका बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आएगा जो एज पर कस्टमर के नीड्स एंड डिमांड को सेटिस्फाई करेगा जो उनको बेस्ट सूट करेगा तो इसमें आपको कस्टमर एंड क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो एंड प्रोफाइल को समझना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आपको सेल करनी पड़ती है आपको स्ट्रॉन्ट रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है आपके न्यू क्लाइंट्स एंड आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ और आपको वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना दिया जाता है ताकि आपको जो भी क्वेरीज आएगी आपके क्लाइंट्स की उसको आप सॉल्व करोगे आपको इसमें थ्री सिक्स डिग्री अप्रोच के साथ आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बैंकिंग सोल्यूशन को आपको सेल करना पड़ता है सारे क्लाइंट्स के साथ इसमें आपको बैंक को रेवेन्यू जनरेट करके देना पड़ता है थ्रू वेल्थ एंड प्रिवलेज कस्टमर्स इसमें आपको क्रॉस सेलिंग करनी पड़ती है आपके न्यू क्लाइंट्स एंड आपके एक्सिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ साथ ही साथ आपको इसमें टैक्स भी मेंटेन करके चलना पड़ता है टर्न अराउंड टाइम आपका कस्टमर्स या फिर आपके क्लाइंट्स की कोई भी क्वेरीज है आपको उसको कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो इसमें आपको बिजनेस बैंकिंग वेल्थ एंड प्रिविलेज बैंकिंग वर्चुअल बैंकिंग या फिर सिक्योर्ड एंडसिक्योर्ड एसेट चीजों में रिलेशनशिप तो को और डिपेंड करना पड़ता है आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना पड़ता है और उनके नीड्स एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करने पड़ते हैं जो उनको बेस्ट सूट करे मतलब आपको राइट बैंकिंग सोल्यून प्रोडक्ट्स एंड उनको सेल करनी पड़ती है और कस्टमर एंड क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है उनको करना पड़ता है आपके बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में तो रिलेशनशिप मैनेजर किन किन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये जो डील करते हैं उसमें आपका करंट अकाउंट आता है फिर आपका एल आता है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन नॉन क्रेडिट सोल्यूशन जैसे कि फोर या फिर करंट अकाउंट पेमेंट एंड कलेक्शन सोल्यूशन ट्रेड फाइनेंस कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंस कैश मैनेजमेंट सर्विस ये सारी चीजें आती है इनको एनुअल टारगेट मीट करना पड़ता है या फिर मंथली टारगेट मीट करना पड़ता है तो ये भी एक टारगेट बेस्ड जॉब है इसमें भी आपका सेल्स एंड टारगेट प्रेशर रहता है तो फील्ड वर्क की अगर बात करें तो इसमें कोई डोर टू डोर सेलिंग्स नहीं होता है इसमें आपको डॉक्टर

तक भी जाता है और ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे आपके लोकेशन पे आपके एडुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपके स्किल्स पे और इनका सैलरी बैंक टू बैंक भी करता है। बैंक में जाती है लेकिन एच डी एफ सी में आपको मिल, मिल सकती है तो मंथली सैलरी की अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज आपका इन सैलरी आएगा फिफ्टी थाउजेंड या फिफ्टी से ज्यादा ही आएगा वर्किंग आवर की अगर बात करें तो इसमें वर्किंग आवर एट टू नाइन आवर्स का ही रहेगा बैंक टू बैंक आपका जॉब का टाइमिंग डिफर कर सकता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी अच्छा रहता है इसमें आप अगर अच्छा काम करते हो तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है आप प्रमोट हो सकते हो आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो जिसमें आपकी इंक्रीज हो जाएगी आपकी भी आपकी बढ़ जाएगी ओके okay, तो आप बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है और कौन कौन एलिजिबल है तो इनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आपने ग्रेजुएट किया है या अगर आपने एमबीए किया है तो फिर आप एलिजिबल हो इनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो ग्रेजुएशन होता है एंड मिनिमम जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होता है वो आपका थ्री ईयर का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए थ्री टू सेवन ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इसमें प्रीफर किया जाता है जितना ज्यादा आपका और एक्सपीरियंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी आपका पैकेज भी उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा एंड आपका वर्क एक्सपीरियंस बैंकिंग में भी हो सकता है या फिर आपका किसी भी फील्ड में आपका सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क एक्सपीरियंस होगा तो भी चलेगा एंड अगर स्किल्स की बात करें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए तो इसमें आपका बिजनेस एंड सर्विस स्किल्स आपका होना चाहिए सेलिंग स्किल कस्टमर सर्विस क्रॉस सेलिंग स्किल्स कोलेब्रोशन ये सारी स्किल्स में होनी चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए क्योंकि आप इसमें क्लाइंट से बात करोगे कम्युनिकेट करोगे सेल्स करोगे एंड एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स क्योंकि आपको इसमें नए कस्टमर को बनाने भी पड़ेंगे और आपके एक्सिस्टिंग कस्टमर के साथ आपको रिलेशनशिप भी बिल्ड करके चलना पड़ेगा एंड थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी होना चाहिए तो आप अच्छा काम कर पाओगे तो अगर आपको इस पोस्ट के लिए या फिर इस प्रोफाइल के लिए आपको अप्लाई करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हो और अभी इसकी हायरिंग पैन इंडिया चल रही है अक्रॉस इंडिया इसकी हायरिंग चल रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं कुछ बैंकिंग के टिप्स एंड अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच मॉर विल्ड्रेन सल द वेरी बेस्ट टिल टेक बाय जय हिंद